सो हे माय फैमिली, क्या हाल आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और हमेशा बड़े रहने। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेवल 63 एफएम। तो गाइस अब सब लोगों ने वीडियो के टाइटल थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज मैं पांडा माउस प्रो के ऊपर अपना फुल सेटअप करने वाला हूं और मुझे क्या क्या चीज़ लगेगा, मैं क्या क्या करूंगा, मैं फुल इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ बता दूंगा। गाइस बने रहना वीडियो के एंड तक। और गाइस अगर आप सब लोग इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के सेट कर दो ताकि आपका डिमांड का जो भी वीडियोज हो और मेरा मैंने जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाता हूँ इन दोनों टाइप्स का वीडियो आप सब लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस इस फुल सेटअप के लिए मैं पहला जो ऐप यूज करने वाला हूँ आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है MSI ऐप, जिसका लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब लोग बाद में इस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। और गाइस इसके बाद आप सब लोगों को क्या लगेगा, एक कीबोर्ड लगेगा और एक माउस लगेगा। आप सब लोग कोई सा भी कॉम्बो सेट खरीद सकते हो अपने ऑनलाइन स्टोर पे। यहाँ पे अगर आप सब लोगों के घर के पास कोई स्टोर हो तो आप सब लोग वहाँ से भी खरीद सकते हो। और गाइस अगर आप सब लोग पांडा माउस प्रो यूज करते हो तो आप सब लोगों को यहाँ पे गेमिंग माउस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पांडा माउस प्रो में गेमिंग माउस का सब कुछ फीचर आप सब लोग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेमिंग माउस का मेन फीचर होता है ये दोनों बटन, और इन दोनों बटन को आप सब लोग पांडा माउस प्रो के अंदर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों बटन पांडा माउस प्रो के अंदर सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अगर आप सब लोग पांडा माउस प्रो या अगर आप सब लोग गीक गेमर यानी कि मिक्स प्रो भी यूज करते हो तो भी आप सब लोग ज्यादा पैसे देके यहाँ पे गेमिंग माउस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर 300 से 400 के बीच में बहुत सारे कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मिल जाएगा, आप सब लोग वहां से एक खरीद लेना। इसके बाद क्या आप सब लोगों को लगेगा, इसके बाद लगेगा कुछ इस तरह का एक USB हब लगेगा, जो गाइस मेरा जो है 7 पोर्ट वाला USB है, जो थोड़ा सा महंगा है, शायद 200 या 250 रुपए पड़ा होगा मेरे को। अगर आप सब लोग 3 पोर्ट या 4 पोर्ट वाला आप सब लोग USB हब लेते हो तो आप सब लोगों को आपके मोबाइल के दुकान पर ही आप सब लोगों को 90 से 100 रुपए के अंदर आप सब लोगों को मिल जाएगा। और आप सब लोगों को एक चीज़ लगेगा, आप सब लोगों के पास मोबाइल के हिसाब से एक एडाप्टर यानी कि आप सब लोग जैसे देख सकते हो ये मेरा USB एडाप्टर है, तो आप सब लोग यहाँ पे इस एडाप्टर को भी खरीद सकते हो। ये आप सब लोगों को 20 से 50 रुपए के अंदर मिल जाएगा, यानी कि आप सब लोगों को 600 से 700 के अंदर सब कुछ बजट के अंदर आप सब लोग फुल सेटअप कर पाओगे। और इसके बाद आप सब लोग ऐप को एक्टिवेट करना और किस तरह से एक्टिवेट करना इसका वीडियो भी आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो गाइज अगर आप सब लोगों को यहाँ पे मैं एक्टिवेशन करके दिखाऊँ तो गाइज बहुत टाइम लग जाएगा, और गाइज एक्टिवेशन दिखाने का मेरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही मोबाइल है और इस मोबाइल में कोई वायरलेस एक्टिवेशन नहीं होता, सिर्फ वायर एक्टिवेट ही होता है। तो इसीलिए मैं इस मोबाइल में ऑलरेडी पहले से, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो MSI ऐप में मैं पहले से ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा हूँ ऐप को। आप सब लोग इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही एक सही एप्लीकेशन है। तो गाइस यहाँ से मैं ऐड गेम करके फ्री फायर मैक्स को ओपन कर लूँगा, आप सब लोग यहाँ पे देखो। और गाइस मैं अपना जो है वाईफाई को कनेक्ट कर लूँगा इस मोबाइल का। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पे देखो मेरा जो है यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है। और गाइज आप सब लोगों को आप क्या करना होगा, जब आप सब लोग अपना जो इस वाले OTG केबल को खरीदना, इसके बाद आप सब लोग जब अपना USB हब है उसका एक जैक होगा तो उसके साथ ये OTG केबल कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना। इसके बाद आप सब लोग क्या करना, अपना जो OTG केबल का जो जैक है उसमें से आप सब लोग किसी जैक में भी कीबोर्ड और माउस का जो जैक है उसको कनेक्ट कर देना। और गाइज मेरा जो OTG USB हब है ना, इसमें लाइट जाती थी कि कौन सा जैक यहाँ पे ऑन है। तो इसके बाद आप सब लोग क्या करना, मोबाइल के यहाँ पे चार्जिंग वाले पोर्ट पे कुछ इस तरह से अपना जो ये एडाप्टर है इसको घुसा देना। और गाइज यहाँ पे देखो कीबोर्ड और माउस दोनों में यहाँ पे लाइट आ गया है। और गाइज यहाँ पे देखो माउस के अंदर लाइट नहीं आया है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो ये वाला जो है माउस का जैक है और इस वाले पोर्ट में अभी लाइट नहीं आया है, तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूंगा। और गाइज देखो यहाँ पे माउस के अंदर भी लाइट आ गया है। और लेकिन गाइज मैं एक काम करता हूँ, अपना जो कीबोर्ड का लाइट है ना मैं यहाँ पे ऑफ करके खेलता हूँ, ताकि गाइज मोबाइल का चार्ज थोड़ा कम कटे। तो गाइज यहाँ से आप सब लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से मैं चला जाऊँगा सिंपल सा गेम के अंदर, और इसके पहले आप सब लोगों को कुछ परमिशंस मांगेगा, ये आप सब लोग इसको दे देना। और गाइज अगर आप सब लोग डिस्प्ले ओवर एप्स का ये जो ऑप्शन है, अगर आप सब लोग इसको ऑन नहीं करोगे तो यहाँ पे जो मतलब MSI ऐप का जो यहाँ पे देख सकते हो ये जो फ्लोटिंग विंडोज है ना, ये आप सब लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग उस वाले ऑप्शन को जरूर से यहाँ पे
ऑन कर देना। और इसके बाद गाइस चलते हैं गेम के अंदर। आप सब लोग यहाँ पे देखो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, क्योंकि गाइस मेरा जो घर का एरिया है यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो आप सब लोग थोड़ा बहुत वेट कर लेना। तो यहाँ पे देखो मैं अपना जो है यहाँ पे गेम के अंदर आ गया हूँ। और गाइस ये फ्री फायर मैक्स है, कोई फ्री फायर नहीं है, ये बड़ा वाला फ्री फायर ही है। तो गाइस यहाँ से देखो भाई एड्स ही नहीं आ रहा है, मतलब आप सब लोग सोचो मेरा यहाँ पे इतना ज़्यादा नेटवर्क स्लो है कि मैं आप सब लोगों को क्या बताऊँ। तो मैं यहाँ पे जो ये स्टैंड है, इस स्टैंड पे मैं अपने जो मोबाइल को रखता हूँ, आप सब लोग यहाँ पे देखो ताकि आप सब लोगों को दिखने में थोड़ा बहुत आसानी हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में चला जाता हूँ, और सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में जाने के बाद कस्टम एचयूडी। और गाइस ये है अपन का कस्टम एचयूडी, और यहाँ से हम करेंगे की मैपिंग। तो आप सब लोग की मैपिंग करेंगे वो भी 2x स्पीड के साथ। इसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ग्राउंड में गेम प्ले भी करेंगे और देख लें। और आप सब लोग ये देखोगे इसमें गेम प्ले कैसे होता है। तो गाइस चलो 2x स्पीड के साथ हम सब लोग यहाँ पे की मैपिंग को सेट कर लेते हैं। तो गाइज आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा बहुत की मैपिंग कर चुका, और गाइज की मैपिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो चुका है। और आप सब लोग देख लिया हो क्या कि की मैपिंग में कोई सा भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुआ। तो गाइज मैं यहाँ से की मैपिंग को करता हूँ सेव, और यहाँ पे चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो आप सब लोग गाइज यहाँ पे देखो, अरे भाई यहाँ पे गाइज ये लो एंड डिवाइस है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है टच का। तो गाइज यहाँ पे देखो मैं फ़ोन को यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप सब लोगों को दिखने में थोड़ा बहुत आसानी हो। तो गाइज यहाँ पे देखो इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ से अपन ले लेते हैं एक UMP। और गाइज बारिश का वेदर है, तो भाई मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो किसके किसके वहाँ बारिश हो रहा है वो कमेंट कर दो भाई। तो गाइज यहाँ पे देखो एकदम ओपी बोलते गाइज यहाँ पे। तो गाइस चलो यहाँ पे, तो गाइस मैंने तो अभी भी मैक्रो आ रहे भाई आने से पहले ही मेरे को टपका दिया। तो गाइस मैंने तो यहाँ पे मैक्रो नहीं किया। अगर आप सब लोगों को यहाँ पे मैक्रोस के बारे में भी वीडियोस चाहिए तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, तो मैं वो भी आप सब लोगों के लिए बना दूंगा। अरे भाई रुक जा भाई, अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ गाइस, यहाँ पे क्या बताओ आप सब लोगों को, मारने का मौका ही नहीं देता। अरे भाई 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 यहाँ पे देखो मैं एक भी बंदे को नहीं मार पा रहा हूँ, उसके पहले वो बंदा मेरे को ठोक के चले जा रहा है। तो मेरे को यहाँ पे पहले किसी खुल्लम खुल्ला जगह में जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे देखो, अरे भाई फिर से ये बंदा पीछे से मार रहा है। तो यहाँ पे ये मारा गाइस, यहाँ पे देखो ओनली रेड नंबर है, पर मैं वो बंदा मरा नहीं, उसके पहले मेरा ही गाइज, मेरे साथ ही ऐसा गाइज होता है हर बार। तो यहाँ पे वन टैप कैसा लगता है ये भी देंगे। चल भाई तेरे को एक लाइक दे दिया। हाँ भाई तू मार ले, तू पीछे से मार ले भाई। हाँ भाई अरे भाई मैं एम ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में अपना जो सेंसी है वही मैं सेट करना भूल गया। और गाइज इसका जो परफेक्ट सेंसी वाला वीडियो है ना, किस तरह से आप एकदम हर शॉट रेड नंबर मार सकते हो, वन टैप हो, UMP जो, वो भी आप सब लोगों को YouTube में मिल जाएगा गाइज एकदम बहुत ही आसानी से, आप सब लोग उसके बाद हेड शॉट मार पाओगे। तो गाइज आप सब लोगों ने ये तो देख लिया कि मैं किस तरह से सेटअप कर चुका हूँ। और अगर गाइज आप सब लोगों को पांडा माउस प्रो के ऊपर गेम प्ले वाला वीडियो चाहिए, तो आप सब लोगों को इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद मैं एक धांसू सा गेम प्ले लाऊंगा पांडा माउस प्रो के ऊपर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और गाइज ये वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना। तो गाइज आज के लिए बस चलता हूँ।